path will be collateral damage. I'll put in rap in a famine. I'm coming back with a gallon with straight gas. Bringing the heat while I'm attacking you faggots. So look, no plan, just do or die rap. I maneuver like that. Running फ्रीस्टाइल एक बहुत ज़्यादा यूनिक स्पोर्ट है जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग करते हैं और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये क्या है. लोग समझते हैं कि हम लोग एक फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, ये मतलब फ़ुटबॉल से इसको कंपेयर करते हैं, लेकिन ये फ़ुटबॉल से बिल्कुल एक डिफरेंट स्पोर्ट है. ये बेसिकली एक आर्ट और स्पोर्ट का मिक्सचर है और इसी वजह से कि लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है, स्पेशली इस रीजन में, हमारे क्रू का मेन गोल ये है कि हम इस स्पोर्ट को प्रमोट करें और लार्ज स्केल ऑडियंस लाएं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है. इसी सिलसिले में हम पिछले 2018 से अब तक पाकिस्तान में पाकिस्तान की फ़र्स्ट फ्रीस्टाइल एकेडमी भी बना चुके हैं. हम फ्रीस्टाइल रिलेटेड कंटेंट भी बनाते हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और हमने अपनी एक कम्युनिटी भी बनाई है जिसका नाम है स्मार्ट फ्रीस्टाइल कम्युनिटी और हमने स्पॉन्सर्स वगैरह लिए ताकि हम फ्रीस्टाइल को जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं प्रमोट करें पाकिस्तान में. द बेस्ट थिंग अबाउट क्रू इज़ के हमारे जो क्रू में सबके पास बहुत बहुत हाई लेवल की स्किल्स हैं, मुख्तलिफ स्किल्स हैं, जैसे फिल्म मेकिंग होगी और एडिटिंग होगी और फोटोग्राफी एंड बहुत सारी स्किल्स हैं हमारे क्रू में. तो हम मतलब एक कोई हमें प्रोजेक्ट मिलता है तो हम उस पर मिल के बहुत अच्छे तरीके से उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं और बहुत कोई अच्छी चीज़ बना सकते हैं. तो मुझे क्रू में सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि हमारे पास बहुत सारे स्किल्स हैं और हम अपनी स्किल्स को कंबाइन करके बहुत कोई अच्छी चीज़ बना सकते हैं. और बॉलर फ्रीस्टाइल क्रू में उसका हिस्सा होने में एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि हम चारों को बहुत ज़्यादा नए एक्सपीरियंसेस मिले, जैसे ट्रैवलिंग हो गई और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम स्कूल्स वगैरह में नहीं सीख पाते, जो कि असल में प्रैक्टिकल लाइफ में और क्रू के काम करने में हम वो चीज़ें सीखते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है. अगर हम अकेले ट्रेनिंग करें तो हमारी इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होती जबकि हम एज अ क्रू जब हम चार लोग मिलकर ट्रेनिंग करते हैं. मतलब हम में कोई मेरे में कोई मसला आ रहा ट्रेनिंग करते हुए, कोई ट्रिक मेरे से नहीं हो रही, तो अली भाई मुझे बताएंगे या कोई मुझे प्रॉपर गाइड करेगा जिससे मैं ज़्यादा तेज़ इम्प्रूव करता हूँ. मैंने फ्रीस्टाइल फुटबॉल नवंबर 2015 में स्टार्ट किया था तो ऑलमोस्ट मुझे 5 साल होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भी मैं एथलीट ही था. मैं पहले फ़ुटबॉल खेलता था, मैं पहले जिमनास्टिक्स में था और मैं पहले भी एथलीट ही था. तो मेरे घर वालों को पर्सनली कोई मसला नहीं था कि मैं अगर स्पोर्ट्स की साइड पर जाना चाहता हूँ, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे मेरे अम्मी अबू, और अगर मैं प्रोफेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स पर जाना चाहता था तो वो करते थे. लेकिन 2015 में मैंने फ्रीस्टाइल फुटबॉल स्टार्ट किया और वो एक ऐसा स्पोर्ट था जिसमें पाकिस्तान में नामो निशान नहीं था जिसका कह सकते हैं. तो इसकी एक बैक स्टोरी है कि पाकिस्तान में फ्रीस्टाइल फुटबॉल था लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम नहीं था, कोई अकेडमी नहीं थी जिधर कोई सिखाता हो, या कोई हाई लेवल के फ्रीस्टाइलर्स नहीं थे जो गाइड कर सकते हो या प्रोफेशनल लेवल पे उसको करते हो. तो जब मैंने फ्रीस्टाइल फुटबॉल स्टार्ट किया तो 2016 में पूरी कम्युनिटी ख़त्म होगी. तो फिर मेरे कभी भी मेरे पेरेंट्स ने यह सवाल नहीं किया कि फ्रीस्टाइल फुटबॉल बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान में तो तुम इसमें क्या करोगे. तो मैं जो करता रहा मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते रहे साथ साथ. टू बी ऑनेस्ट, फ्रीस्टाइल चेंज माई लाइफ. मतलब पहले मैं जैसा था जब मैंने फ्रीस्टाइल स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोग, इवन मेरे दोस्त, मेरे घर वाले मुझे कहते थे कि यार आप क्या करोगे, आगे इसका कोई फ्यूचर नहीं है, आगे जा के तुम क्या, मतलब कहीं जगह सर्कस में काम करोगे या ये काम तो मतलब उधर का ही होता है. लेकिन अब जहाँ हम काफ़ी आगे इसमें मैंने प्रोग्रेस किया है और अब हम कंटेंट क्रिएटिंग की तरफ आए हैं और अब उन सबको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार ये वाकई कुछ कर रहा है. तो फ्रीस्टाइल स्टार्ट करना आई थिंक मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था और इसने वाकई मेरी लाइफ को चेंज कर दिया.
तो फ्री स्टाइल में मेरी जो सबसे बड़ी स्ट्रगल थी वो ये थी कि फ्री स्टाइल में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं और उसमें से मुझे मेनली सिर्फ लोअर्स पसंद हैं, जिसकी वजह से मेरे बाकी सारे एरियाज कॉम्प्रोमाइज हो जाते थे। लेकिन BallArt फ्री स्टाइल क्रू ने 3-4 चैम्पियनशिप्स ऑर्गेनाइज किए नेशनल लेवल पर, और उन चैम्पियनशिप्स की वजह से मुझे मोटिवेशन मिली है कि मैं ऑलराउंड फ्री स्टाइल भी ट्रेन करूँ, और इनके थ्रू मैं अपने कम्फर्ट जोन से बाहर गया और इसके थ्रू मैंने नई चीज़ें सीखी।